दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इस टाइम मैं पोल्ट्री शॉप पर मौजूद हूँ। तो अभी हमारा चिकन तैयार हो रहा है, तो आज हमारा प्रोग्राम है देख पकाने का, चिकन की बिरयानी की देख पकाएंगे। तो खत्म कुरान है मस्जिद में, तो आपको पूरा अहवाल देंगे। अभी मैं इस टाइम मौजूद हूँ चौप पराठा में, तो चौप पराठा में देखते हैं ये चिकन कितनी देर तक तैयार होता है, तो सब आपको बताएँगे। तो भाई किस तरह रेट चल रहा है चिकन का? 600 रुपये। ये भाई के पास आए हैं, 600 रुपये का किलो का रेट है। तो भाई अब चिकन तैयार कर रहे हैं, तो बाकी जो सामान लेना है वो भी हम आपको साथ साथ गाइड करेंगे। तो आपने भी इस वीडियो को पूरा देखना है, इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, आज चलते हैं। ये भाई देखें, चिकन की कटाई हो रही है। ये पाकिस्तान में इस तरह की कटाई की जाती है। You can see this guy is cutting the chicken in this way. And whenever my viewers are from other country, like from United States and some other country, they can see that how we can get chicken in Pakistan. I'm just talking in English because one of my viewer is from United States and he told me that I can't remember your anything else. I can't get your anything else. Like you are talking in Urdu, but right now I am talking to you in English. That's why my viewers who are not from Pakistan and other country, they can know what I am talking about. He separated the legs of the chicken. Now, and he will separate the different pieces right here. Like this. भजन जड़े लोग वीडियो वेखण गए, उन्होंने बिजनेस आइडिया दसो, ये चिकन का दुकान खोलो तो प्रॉफिटेबल है काम? जी भजन, ये प्रॉफिटेबल काम है अगर बिजनेस आइडिया के मुताबिक व्यू ले आ जाए तो? चिकन का काम काफी मुनाफा बख्शे, जायज मुनाफा है। ਇੰਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਪਲਾਈ ਰੇਟ 445 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਯਕਦਮ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ? ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ? 4 ਕਿਲੋ। कितना हो गया वजन ये भाई? हो गया 2 किलो 300 ग्राम। ये 2 किलो 300 ग्राम है, 4 किलो पूरा करना है।
ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗ ਤਿਕਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗ ਵਗੈਰਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਊ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਊ ਵੇਖੋ ये कितना हो गया भाई जन 4 किलो 4 किलो दोस्तों ये पूरा हो गया है तो ये भाई ने अब हमें पैक करके देना है तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आगे हमारा क्या प्लान है अगला प्लान ये है कि हमने ये देग में जो सामान डलता है वो लेना है तो भाई ये देखे नीले शॉपर में पैक कर रहे हैं तो देते हैं हम भाई को पेमेंट तो इधर से हम चलते हैं अगले पॉइंट की जानेब जो कि एक करियाना स्टोर है वहाँ से हमने बाकी सामान लेना है उसके बाद हमने जाना है सब्जी की शॉप पर ये भाई ने हमें पैकिंग करके दे रहे हैं 4 किलो के ये भाई इसमें 4 किलो पूरा आ गया भाई को हम पेमेंट करते हैं चलते हैं अगली जाने दोस्तों ये वीडियो आपने पूरी लाइक देखनी है और इस वीडियो को लाइक भी करना है ठीक है दोस्तों और अब हम इस दुकान पर आए हैं इस दुकान से हमने सामान वगैरह लेना है तो उसके बाद हम चलेंगे अगले ब्लॉक की जाने ठीक है दोस्तों ये मेरे साथ मेरे वाले साहब बैठे हैं तो इनके साथ सामान लेंगे उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे ये भाई ने ये सामान लिया तो हम अपना सामान पूरा सुल्तान ये भाई सुल्तान लेंगे एशिया का कह रहे हैं नहीं मिलेगा भाई हमारे सामान को कितना टाइम लगेगा यार ये ना भाई तुसे क्या कर रहे हो गुड़ काट रहे हो खड़ा हो रहा है ये भी हो गया है गरम मसाला भी हो गया अब ये भाई ने हमें दिए हल्दी मेरे पाउडर अब ये तो नहीं है कितना 5 किलो है ये भाई ने हमारा देख का सामान पूरा कर दिया है तो अब हम दिल का इंतजार कर रहे हैं अभी बीच पाया सामान ले लिया भाई को अब अल्लाह हाफिज कहते हैं ठीक है भाई अल्लाह हाफिज ओके जी अल्लाह हाफिज चाचू दोस्तों हम जैसा कि घर पहुंच चुके हैं अभी ये बहन से खड़ी हैं हमारी 2-3 इधर हैं ये हमारा घर है ये हमारे पड़ोसी हैं और ये बाकी बहन से इधर हैं हमारी ये गरीब खाना है तो देग इधर पकेगी आज एक देग नो एक घंटा लगता है पकाने में तो बाकी सारा सामान आ चुका है सही
ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਕਾ ਸੁਣਦੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸਹੀ ਸਹੀ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਪਕਾਵਣਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਆਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਾਚਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਲੋ ਦੇਖ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀਹ ਕਿਲੋ ਲੱਕੜ 12 ਕਿਲੋ ਦੇ 20 ਕਿਲੋ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਸ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨਾ ਵੇਖੋ ਪਿਆਜ਼ ਫਰਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਫਰਾਈ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਸਿਰਫ ਕਰ ਸਕ ਪਿਆਜ਼ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਸਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਬਸ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਸ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦਮ ਆਏਗਾ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ
25 मिनट बाद तैयार है फिर। फिर ठीक हो गया नहीं गल हो गई उस रोजा रखे हुआ है ना बाबे ने तो रोजा लड़े हुआ था उसने। ये दाम आधे घंटे का है हैं भाई थले लासो पानी आ गए दे शफीक मोल दे मने सीधा मटर ते चना मटर तो उनके घर दे लगे हुए हैं। मटर तो उनके घर दे उसका दिखा रहे कितने पानी में सब कर ले या नहीं खुदा दे खास हो जा रहा था तो 600 रुपए 500 दे में क्या नहीं 500 अल्लाह वास है कोई 150 सही कोई हया की तक बाल्टी पाई रहा डब्बे की बिरयानी बड़ी होनी वो दस बिरयानी सही बांग हो रही है नहीं वो नहीं परेशान में कर ले तू चले अफ्तार ही तो खास है ऑप्शन पे कोई भी टेंशन नहीं लेने का माशाल्लाह अच्छे भाग गए ना हां मैंने अंदर की चीज ना पैसे से खर्चे हुए हैं मैं थोड़ी ना देगा पाक जाए पता लग गया चावल पैन दे मेरी बाल्टी क्यों गया।